पूर्व सांसद धनंजय सिंह को लेकर मल्हनी विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार में उतरे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्वांचल प्रभारी रविंद्र सिंह उज्जैन ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं अभ्युदय प्रताप सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ। गोरखपुर के मूल निवासी रविंद्र सिंह उज्जैन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्वांचल प्रभारी CEN न्यूज रूम जौनपुर से अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान पूर्व सांसद की जमकर तारीफ की और कहा मल्हनी विधानसभा का एक ही विकल्प है और वह है धनंजय सिंह। मैं धनंजय सिंह के साथ 1992 से जुड़ा हुआ हूं। मैं व्यक्तिगत उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। उनकी कार्यशैली सदैव लोगों के लिए समर्पित रहती है। वह अपने से पहले दूसरे के लिए जीते हैं। आम जनमानस और गरीब जनता के लिए वह एक वरदान है, इसलिए मल्हनी के जनता के दिलों में व्याप्त हैं। आज मल्हनी के जनता के पास एक स्वर्णिम इतिहास रचने का समय है, जहां वह मल्हनी का विकास निश्चित कर सकते हैं। वहीं पूर्व प्रत्याशी प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे अमित सिंह समाज सेवी द्वारा माने तो पूर्व सांसद की उपलब्धियों का लिस्ट खत्म ही नहीं होता और हाल ही में श्रीकला धनंजय जी के द्वारा मल्हनी के लिए किया गया कार्य अभूतपूर्व है। अब तक के इतिहास में इस तरह का विकास अपने जिले पंचायत के कार्यकाल में ना तो मल्हनी में किसी ने किया और ना ही शायद कर पाएगा। मल्हनी में सभी का सम्मान और सभी का विकास है, बिना भेदभाव बिना जातिवाद के सबका सम्मान है। सूत्रों की माने तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपनी जीत को लेकर पूर्णतया आश्वस्त हैं, फिर भी यह मल्हनी का चुनाव है और इसका फैसला 10 मार्च को होगा। नमस्कार, मैं अभ्युदय प्रताप सिंह CEN न्यूज जौनपुर से। आज हम CEN के न्यूज रूम से आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में अवगत कराते हैं जो बड़ी दूर से चलकर मल्हनी विधानसभा के प्रचार प्रसार के लिए आए हुए। मैं मुद्दे पर आता हूं और अपने कार्यालय में CEN न्यूज के ऑफिस में उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूं। मैं उससे पहले मैं उनका विवरण आपको दे दूं। आप रविंदर सिंह उज्जैन जी हैं जो गोरखपुर से चलकर आए हैं और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आप गोरखपुर से चलकर आज जौनपुर में मल्हनी विधानसभा के लिए प्रचार प्रसार के लिए आए हैं, कैसा लगा आपको यहाँ प्रचार प्रसार? देखिए, इस यहाँ पर मल्हनी विधानसभा में जो वोटर हैं उनमें बड़ा उत्साह है। उत्साह यहाँ के आदरणीय धनंजय जी के प्रति है। मैं देखा हर जात हर बिरादरी के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। कहाँ कहाँ पे आपका आना जाना हुआ जो है, जिससे आपको ये लगा कि वहाँ की जनता का पूरा समर्थन पूर्व सांसद के पक्ष में है? तेजी बाजार में गया था, बक्सा बक्सा गया था, बसारतपुर गया था, कुद्दूपुर गया था और तमाम गांवों में मैंने देखा, संपर्क किया। एक जनरल आदमी बनके मैं वहां पर गया था। लोग देख रहे थे कि धनंजय सिंह के तरफ लोगों को ज्यादा रुझान है। मेरा एक प्रश्न आपसे है रविंद्र जी की मल्हनी विधानसभा यादव बाहुल्य माना जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? आपने जब आप कैंपियन कर रहे थे तो बहुत सारी जगहों पे आपको यादव या बहुत सारे समाज ऐसे हैं जिनमें आपको जाना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी है वो यादवों का रुझान क्या है कि मल्हनी सभा विधानसभा में किसके तरफ जा रहा है? देखिए, यादव तो अखिलेश को मानते हैं, लेकिन यहाँ के उनके धनंजय सिंह के कर्म और उनके कहना जो प्रजनशिप देते हैं, लोगों को शादी ब्याह में जाते हैं, वो बड़ा फैक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। उस समय वो किसी के तरफ नहीं देख रहे हैं। जो यादव लोग हैं वो भी धनंजय के तरफ देख रहे हैं कि ये रोज मिलने वाले आदमी है। मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे रहेगा, वह आप पूर्व सांसद जी को कब से जानते हैं? पूर्व सांसद जी जब वो छात्र जीवन में थे तो उस समय से मैं जानता हूँ, 92 से। उनकी कार्यशैली के बारे में कुछ बताएं। देखिए, वो अग्रसर व्यक्ति हैं और दूसरे को दुख को लेकर के अपने ऊपर झेल चलते हैं, उसमें उनको बड़ी भी कहना दिक्कत भी हुई है। हाँ, लेकिन वो जो एक नेतृत्व एक क्षत्रिय धर्म होता है उनके पास भरपूर है। बोला ये जाता है कि धनंजय सिंह मल्हनी की जनता के दिलों में राज करते हैं। आप जब
कैंपियन कर रहे थे, जब आप क्षेत्र में निकल रहे थे, तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिला? बिल्कुल बिल्कुल, जन जन में उत्साह था। लोग, हमें लगता है कि इनकी जो जीत की मार्जिन होगी बहुत ज्यादा होगी। क्या लगता है, धनंजय सिंह को लोग नेता मान चुके हैं कि वो विधायक हैं? देखिए, धनंजय सिंह से तो हम जानते हैं कि जब ये 2002-03 में जब चुनाव जीते थे, उसी समय से लोग अपना नेता मानते हैं, और उन्होंने पब्लिक के बीच में जाके काम किया है, और लोगों को बहुत ही इनसे भरोसा है। मलनी की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही कहूंगा कि आपके घर का, आपका लाडला, आपके हमेशा दुख सुख में साथ रहने वाला, शादी ब्याह में मौजूद रहने वाले व्यक्ति धनंजय सिंह हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग उन्हीं को वोट दें और उनका उनको आशीर्वाद दें। मेरा अगला प्रश्न है, अमित सिंह जी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे हैं और पूर्व प्रधान प्रत्याशी भी रहे हैं उमरपुर से, और बहुत ही सोशल वर्किंग में आपने काम किया है, हाल में ही आपने कई लोगों को ऐसा जो क्षेत्र के ऐसे आम गरीब जनमानस है उनका आपने बहुत मदद किया है, तो अमित जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप भी रविंद्र जी के साथ आज पूरे दिन और 2-3 दिनों से आप कैंपेन कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि मलहनी की जनता, क्योंकि आप तो यहीं के बाशिंदे हैं और आप जानते हैं कि मलहनी क्या चाहती है, इस बार बदलाव चाहती है या नहीं चाहती है? मलहनी तो बदलाव चाह रही है, और बदलाव इसलिए मलहनी की जनता चाह रही है कि जब तक धनंजय सिंह नहीं आए, MP या MLA नहीं होंगे, मलहनी का विकास नहीं हो पाएगा। मलहनी में जितना भी विकास हुआ है अभी तक, आज़ादी से लेकर अब तक, सारा विकास धनंजय सिंह का योगदान से हुआ है। इनकी पत्नी अभी 6 महीना पहले, आप जानते होंगे, चेयरमैन हुई है जौनपुर जिले की। 6 महीने में लगभग मलहनी में 50 करोड़ का काम जो है मलहनी की जनता के बीच में जिला पंचायत चेयरमैन श्री कला धनंजय सिंह के द्वारा कराया जा रहा है। एक प्रश्न मेरा आपसे और है, धनंजय सिंह की लोकप्रियता के बारे में। धनंजय सिंह की लोकप्रियता के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जब से यहाँ पे राजनीति किया है, जातिवाद एकदम खत्म कर दिया, और नेता थे जैसे इसके पहले जितने भी नेता थे पूछते थे कि किस जात के हैं आप, तब आपका काम होगा। इनके अंदर ये भावना नहीं है, अगर इनके दरवाजे पे कोई भी गया, बता दिया कि मैं परेशान हूँ, मेरे पास जो है फीस नहीं है बच्चे का, हमारे पास दवा के इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो धनंजय सिंह अपने पैसे से और अपनी गाड़ी से सारी व्यवस्था करके उसका जो है इलाज करवाते हैं, एडमिशन करवाते हैं। यही सब सारी खूबियाँ हैं, इसीलिए जनता का जो है इनके ऊपर जो है सारा स्नेह मिल रहा है, और ये लगभग मैं आपसे बता दे रहा हूँ, आश्वस्त कर रहा हूँ, कम से 25-30 हज़ार वोट से धनंजय सिंह यहाँ से चुनाव जीतेंगे। आपको क्या लगता है, जातीय समीकरण पूर्व सांसद को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? मलहनी में कोई जातिवाद नहीं चलेगा, यहाँ पे केवल धनंजयवाद चलेगा। यहाँ पे सारी जातियां तोड़ के जो है सीधे जो है धनंजय सिंह के जो है किए हुए कार्यशैली पे, जितना काम इन्होंने किया है, जितना गरीब कन्याओं का शादी विवाह हुआ, जितना इलाज करवा दिए हैं, जितना हैंडपंप लगवा दिए हैं, उसको देख के यहाँ पे जातिवाद एकदम नहीं चलेगा। सारे बिरादरी का वोट इनको मिल रहा है, कोई ऐसी बिरादरी नहीं है कि जो है धनंजय सिंह को वोट न कर रहा। मेरा अगला प्रश्न है, आपका शुभ नाम आपका? वीरेंद्र सिंह जी, आप सुबह सुबह और 2-3 दिन से आप साथ में कैंपेन कर रहे हैं, क्या लगा, क्या जो है हवा है इस बार मलहनी की आपके नज़रिए से? धनंजय सिंह का हर वर्ग के लोगों में अच्छा उत्साह है, लग रहा है चुनाव, लग रहा है चुनाव से अच्छे वोटों से जीते। आप देख रहे थे CN न्यूज के माध्यम से आज न्यूज लाइव और CN न्यूज के ऑफिस से अपना बहुमूल्य समय निकाल कर गोरखपुर की धरती से, जौनपुर की धरती पर रविंद्र सिंह जी जो कि उज्जैन नाम से फेमस हैं, आज लगभग 3 दिनों से मलहनी विधानसभा में प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं और पूर्णतः आश्वस्त हैं कि इस बार मलहनी में परिवर्तन तय है। अब देखना ये बड़ा होगा कि 10 तारीख को वास्तव में परिवर्तन हो पाता है या फिर से समाजवादी लकी यादव अपना झंडा फहराएंगे, या एक बार KP सिंह पुनः
जीत कर एक इतिहास मलहनी में रचेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।